का कार्यभार संभालने से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में कांग्रेस का संसदीय दल का नेता के नाम पर लग सकती है मुहर। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। यूपी के 400 स्वयंसेवकों का चुनाव परिणाम आने के बाद कानपुर में प्रशिक्षण चल रहा है। 1 जून से 4 जून तक मोहन भागवत 200 संघ प्रशिक्षण वर्ग में 4 दिन करेंगे प्रवास। मोदी कैबिनेट ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए किसानों को दिया तोहफा। सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे। अयोध्या में छावनी के महंत परमहंस दास राम मंदिर निर्माण के लिए यज्ञ करेंगे। आमरण अनशन भी कर चुके हैं परमहंस। श्रद्धालुओं के लिए आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था हुआ रवाना। आज से बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोलियम पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम सिर्फ यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए हुआ है लागू। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुए घायल। पुलिस ने लूट के 70,000 तमंचा जिंदा कारतूस और बाइक की बरामद। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रतियोगी छात्रों को खदेड़ा। भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। घटना में कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं। बांदा में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया। ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड फिनाले के साथ एलजी का 12 दिवसीय समर कैंप का समापन। कार्यक्रम में एलजी कंपनी के कर्मचारियों ने 220 बच्चों ने हिस्सा लेकर अपना टैलेंट दिखाया। हापुड़ में जिलाधिकारी आदित्य सिंह के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोचिंग सेंटर पर की बड़ी कार्रवाई। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनपद के 8 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया है। 9 जून तक का समय देते हुए सुविधाओं को पूरा करने का निर्देश। जौनपुर में मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होने से बच्चा बुरी तरह झुलसा। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक उपचार कर बच्चे को वाराणसी ट्रामा सेंटर किया गया रेफर। कानपुर में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गलत इलाज करने से नवजात की हुई मौत। डॉक्टरों ने शव को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल कराया बंद। वाराणसी में सूरज का पारा 45 डिग्री के पार तक पहुंच चुका है। लोग गर्मी से राहत के लिए पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन कर रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि लोगों को कहीं भी राहत नहीं मिल रही है। बीते 4 दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश से जल रहे लोग घरों से बाहर निकलना हुआ दुभर। जिले का पारा 45 डिग्री के पार तक पहुंच चुका है। गर्मी से लोगों को बहुत ही बुरा हाल। गोरखपुर में गर्मी की तपिश लू बनकर लोगों को कर रही है परेशान। रोजेदार और फील्ड में काम करने वाले लोग गर्मी की तपिश से परेशान। भीषण गर्मी से लोग घरों में रहने को मजबूर। आगरा में पुलिस चौकी में दारोगा का मारपीट करते हुए वीडियो हुआ वायरल जिसमें शराब पीने के आरोप में पकड़कर लाए युवकों को दारोगा ने जमकर पीटा। मुरादाबाद में ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर लगने से युवक की ट्रक के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद बाइक ट्रक में फंसकर काफी दूर तक गई जिससे गाड़ी के पेट्रोल लीक होने की वजह से ट्रक में लगी भीषण आग। भीषण हादसे के बाद आग लगने से ट्रक में रखी मक्का की बोरियों में लगी आग जिसमें ट्रक में फंसी मृत युवक की बाइक जलकर भी राख। भदोही में लूट के इरादे से पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की और कैश काउंटर से रुपए निकालने का प्रयास किया। घटना में पंप पर तैनात सेल्समैन घायल हुआ। बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद की। कानपुर में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने कार सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा में ऑटो से बैटरी चोरी के आरोप में लोगों ने 2 युवकों को खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की।
अलीगढ़ में अनाज मंडी के व्यापारियों के गंग मुक्तेश्वर के धान मिल स्वामी पर करोड़ों रुपए बकाया था। इस मामले में व्यापारियों ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। इसी मामले में जमानत कराने आए दोनों मिल मालिकों को गल्ला व्यापारियों ने घेर कर मारपीट की। बरेली में दबंग युवकों ने मजदूरों को चप्पल बेल्ट और पट्टे से बेरहमी से पीटा। मजदूरों को मंदिर परिसर में मीट खाने का आरोप लगाकर पिटाई की। कानपुर में गेट लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बवाल और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बस्ती में नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 8 लोग हुए घायल जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट की वारदात कैमरे में भी कैद। कानपुर में रोडवेज बस ने साइकिल सवार को टक्कर मारी। घटना के बाद लोगों ने बस पर पथराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में युवक ने कपड़ा व्यापारी पर चाकू से किया हमला। बीच बचाव करने आया युवक भी व्यापारी के साथ घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई में जिला अस्पताल के सामने आवारा सांडों के बीच हुई जमकर लड़ाई। लोगों ने ईंट पत्थर चलाकर दोनों सांडों को भगाया। मेरठ के नौचंदी मेले में अश्लील डांस का आया नजारा सामने। ऐतिहासिक नौचंदी मेले में बार बालाओं ने जमकर किया अश्लील डांस।